please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. अक्षय कुमार की फिल्म रुस्तम में पहनी गई नेवी की वर्दी को नीलाम करने के फैसले पर विवाद हो गया। यूनिफॉर्म नीलाम करने पर ट्विंकल खन्ना को धमकी मिली है। ट्विंकल ने धमकी भरा पोस्ट अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया और लिखा कि वो ऐसे लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लेंगी। दरअसल लेफ्टिनेंट कर्नल संदीप अहलावत नाम के एक शख्स ने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि यूनिफॉर्म नीलाम करना गलत है। संदीप अहलावत ने पूछा कि अक्षय कुमार ने फिल्म में जो ड्रेस पहनी थी वो कॉस्ट्यूम था या यूनिफॉर्म, क्योंकि यूनिफॉर्म खून पसीने से कमाई जाती है जो सैनिकों के पार्थिव शरीर पर तिरंगे के साथ रखी जाती है। ऐसे में अगर इस कॉस्ट्यूम को यूनिफॉर्म के रूप में बेचने की कोशिश की गई तो वो ट्विंकल खन्ना को कोर्ट में घसीटेगा और अगर सम्मान पर हाथ रखा जाएगा तो अच्छा नहीं होगा। ट्विंकल खन्ना ने इस पर ट्वीट किया कि किसी फिल्म में पहनी गई वर्दी को नीलाम करके उससे प्राप्त पैसों का इस्तेमाल उपकार के काम में करने का फैसला लेने वाली महिला को शारीरिक क्षति पहुंचाने की धमकी दी जाती है। क्या एक सोसाइटी के नजरिए से इस तरह की धमकी देना सही है? मैं इसका जवाब हिंसक धमकियां देकर नहीं दूंगी, बल्कि मैं कानूनी प्रक्रिया का पालन करूंगी।